ऑर्डर बुक है वो 16.1 बिलियन से 18.2 बिलियन हो गया है, और टोटल बुक बिजनेस 33.9 बिलियन यूरोज है सिर्फ एसएमआरपी बीवी का। तो ये दिखाता है कि कस्टमर्स भी हमें सपोर्ट कर रहा है। इंडियन नंबर वन ऑटो एंसिलरी कंपनी है मदरसन सुमी, और मदरसन सुमी इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड टॉप लीडर कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15% सीएजीआर की दौड़ से ये ग्रो करेगा, यानी कि जो 74 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप अभी इंडिया में है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचने वाला है 2026, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो ये ग्रोथ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडियन नंबर वन ऑटो एंसिलरी कंपनी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये 24% मार्केट शेयर मदरसन सुमी इंडिया के अंदर ही होल्ड करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि सामिल के बारे में, जानेंगे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, ऑर्डर बुक किस तरह से दिखाई दे रहा है, कंपनी का कैपेक्स कैसे कर रहे हैं, कंपनी के कर्जे का क्या सिचुएशन है, फंडामेंटल बिजनेस ग्रोथ फ्यूचर में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप मदरसन सुमी शेयर को लेके दुविधा में है कि इस पर्टिकुलर शेयर को लेके क्या करें, होल्ड करें, एकोमोडेट करें या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शायद आपका सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल सकता है। तो सबसे पहले मदरसन सुमी का जो ओवरऑल बिजनेस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें 30% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर 4% दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके अंदर 75% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ एंड 196% का ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ओवरऑल हाईलाइट की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर 8546 करोड़ का नेट कर्जा अभी भी है। और कंपनी का चैलेंज की बात करते हैं तो फ्यूचर में जो चैलेंज कंपनी को दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर वो है इन्फ्लेशन, दूसरा जो है लाइट व्हीकल्स का एक प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, एनर्जी क्राइसिस भी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो जो ऑर्डर बुक 16.1 बिलियन का था मार्च 2022 में वो बढ़ के कितना हो गया है 18.2 बिलियन यूरो, ये थोड़ा सा अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। और उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर की बात करें जो लास्ट टाइम था 27% मार्च 2022 में, वो बढ़ के कितना हो गया है 37%। तो 37% जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। और बुक्ड बिजनेस की बात करते हैं तो टोटल जो ओवरऑली कंपनी ने बुक बिजनेस बुक किया वो है 33.9 बिलियन, तो ये भी ओवरऑल कंपेयर करते थे लास्ट ईयर से तो अच्छा खासा ग्रोथ इसमें भी कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी का और क्या हालत है। सामिल यानी कि मदरसन सुमी का बिजनेस को डिटेल्स में समझने के लिए जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से डिपेंड करता है कंपनी बिजनेस कैसा कर रहा है। जैसे कि कॉपर का प्राइस जिस तरह से यहाँ पे बढ़ गया था उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो शॉर्ट टर्म का रिजल्ट है उसके ऊपर ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन जहां ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था वहां से थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, जो मदरसन सुमी के लिए अच्छी बात है। नेचुरल गैस का प्राइस अभी भी कंपनी के ऊपर दबाव डाल रहा है, इसीलिए एनर्जी क्राइसिस कंपनी को यूरोप के अंदर फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो 10 गुना हो गया है विद इन वन ईयर। उसके बाद आपका जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसका इफेक्ट मदरसन सुमी को बहुत ही अच्छी तरह से फेस करना पड़ रहा है। उसका पीछे का रीजन है जो जर्मनी एंड हंगरी जैसे कंट्री है वो रशिया एनर्जी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो 20% से लेकर 35% आपको देखने को मिलेगा। और मदरसन सुमी का जो बिजनेस है वो 30% रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं जर्मनी से और 6% अर्न करते हैं हंगरी से, तो यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस होगा तो मदरसन सुमी के ऊपर इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, जो कंपनी का रिजल्ट में भी इस पर्टिकुलर कंट्री में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरे कंट्री यहाँ पे अच्छा कर रहा है इसीलिए कंपनी ने इतना बढ़िया रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर ये जो प्रेशर है वो आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर। साथ ही साथ जो ओवरऑली ऑटोमोबाइल सेल है उसको देखना भी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि मदरसन सुमी ऑटोमोबाइल सेल के ऊपर ही अपना जो रेवेन्यू है वो उसको डिपेंडेंसी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लाइट व्हीकल्स के अंदर वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं
28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ा है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपेयर करते हैं लाइट व्हीकल्स के अंदर, वहां पे भी 11% का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे दिखाया है, जो मदरसन सुमी का रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पे 3% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अभी भी कंट्रास्ट है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर अभी भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चाइना एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, लेकिन इंडिया का बिजनेस यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहा है। करते हैं कंपनी का रेवेन्यू एंड ईबीटा ग्रोथ के बारे में, जो कंपनी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 4% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, और ईयर ऑन ईयर कितना दिखा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी यहाँ पे 30% का ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ईबीटा मार्जिन आप देख लीजिए, जहां पे कंपनी का मार्जिन 8.3 to 7.2% हुआ करता था, तो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे अपना जो मार्जिन रेशियो है उसको अचीव करने की कोशिश लगातार कर रहा है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर 30% का ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है मदरसन सुमी के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मदरसन सुमी का जो ये रिजल्ट है, ये शामिल का बिजनेस के साथ साथ इंडिया जो वरिक बिजनेस है, ये दोनों को मिला के ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपका जो कंपनी का कर्जा है उसको देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि कंपनी अच्छा खासा जो इंटरेस्ट है वो कंपनी यहाँ पे करता है, तो इंटरेस्ट पे करने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे डिक्रीज हो जाता है। तो रिसेंटली कंपनी का कर्जे के ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी के ऊपर 8546 करोड़ का नेट कर्जा है। अगर टोटल कर्जा आप देखेंगे तो 12000 करोड़ के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है, इसीलिए उसको डिक्रीज करके नेट कर्जा 8546 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। कैपेक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी जो इतना एक्वायर कर रहा है, जापानीज कंपनी को रिसेंटली कंपनी ने एक्वायर किया, उसके अलावा और दो कंपनी एक्वायर किया है, और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर और भी कुछ कंपनी जो कंपनी एक्वायर करने की कोशिश यहाँ पे लगातार कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी को पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी 475 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे किया है, जो ईबीटा के हिसाब से 32% दिखाई दे रहा है, तो पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ये थोड़ा सा कम है। जो कंपनी का कहना है कि जो कैपेक्स कंपनी को करना था वो बहुत सारा कर दिए हैं, और उसका फायदा कंपनी को आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर मिलेगा, और ये बहुत ही कंट्रोल्ड कैपेक्स को देखने को मिलेगा। लिए इंडियन जो बिजनेस है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 24% रेवेन्यू इंडिया से ही मदरसन सुमी कमाता है। तो इंडियन बिजनेस कैसे चल रहा है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि 6 मंथ का कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट हाफ 22 में 6 हाफ कंपनी ने 7000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाया था, वो बढ़ के 9886 पहुंच गया है फर्स्ट 6 मंथ 23 के अंदर, यानी कि यहां पे 41% का ग्रोथ यहां पे दिखाया है इंडियन मार्केट में, इसीलिए कंपनी का इंडियन जो बिजनेस है इसीलिए बहुत ही बढ़िया यहां पे कर रहा है। कंपनी का ऑर्डर बुक को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ऑर्डर बुक से ही पता चलता है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर कंपनी कैसे काम करेगा। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर बुक मार्च के अनुसार 2022 में कंपनी के पास 16.1 बिलियन यूरो का था, और उसमें से 27% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रिलेटेड ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास था। उसके बाद फर्स्ट हाफ में कंपनी ने यहाँ पे कितना कंप्लीट करके दिया है 2.8 बिलियन यूरो का, और नया ऑर्डर कितना मिला है 4.9 बिलियन यूरो। तो नया ऑर्डर विद इन 6 मंथ कंपनी को 4.9 बिलियन यूरो का मिला है। तो सितंबर जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद कंपनी के पास ऑर्डर बुक मौजूद है वो है 18.2 बिलियन यूरो, उसमें से 37% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड ऑर्डर बुक ही मौजूद है। तो ये जो नंबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर ईवी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। अब अगर आप टोटल देखेंगे ओवरऑली ऑर्डर टोटल बुक बिजनेस को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 33.9 बिलियन यूरो। तो टोटल इतना काम काज कंपनी ने ऑलरेडी करके दिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक मदरसन सुमी के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा कंपनी है जो इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी काम करते हैं, इसीलिए कंपनी का जो बिजनेस है वो कंसोलिडेट देखने के साथ साथ स्टैंडअलोन भी देखना चाहिए। कंसोलिडेट बिजनेस यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं टोटल मिला देते हैं तो उसमें कंपनी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ग्रोथ, ईबीटा के अंदर ग्रोथ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ, तो सारे चीज में देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है।
अगर आप इंडियन बिजनेस देख लेते हैं तो रेवेन्यू के अंदर 12%, ईबीटा के अंदर 36% एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद कंपनी ने जो नया सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी एंट्री मार चुका है, वो है एरोस्पेस के अंदर, और साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट भी कंपनी यहाँ पे बना रहे हैं। तो नया नया वर्टिकल के अंदर कंपनी अपने जो बिजनेस हो उसको एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एरोस्पेस के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका नॉन ऑटो सेगमेंट के अंदर 14.2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं एरोस्पेस, और ये जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट रिसेंटली कंपनी ने अपने लॉन्च किया है और उसका उसके अंदर भी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा है क्योंकि ये अभी माइनर स्टेज में है और धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। तो मेडिसिन सुमी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन अगर आपको नया एंट्री करना है तो वैल्यूएशन को ऊपर ध्यान रखिए। अगर आपके पास है तो जरूर इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि कंपनी की जो विजन है 2025 को लेके वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि 2020 में कंपनी का कहना था उसका जो रेवेन्यू बुक है उसको कंपनी 4 गुना बढ़ा सकता है, और 4 गुना बढ़ाने का एक लक्ष्य भी कंपनी ने रखा है। तो अगर ये होता है तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ माना जाएगा मदरसेन सुमी के लिए, इसीलिए कंपनी नया नया वर्टिकल के अंदर अपना एंट्री यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।